ओके स्टूडेंट, लास्ट टाइम जो हमने कंटिन्यूटी में एक्सरसाइज की थी उसमें हमने वो क्वेश्चन बनाए थे जिसमें आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट गिवन था, जिस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। यहाँ पे मान लो आपके पास पर्टिकुलर पॉइंट नहीं गिवन है, तब आप उसको पूरी रियल लाइन पे चेक करेंगे। उससे पहले हमें कुछ बातें हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखना, ध्यान से देखिए। ये सपोज एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट ए रियल नंबर सी। कोई दो फंक्शन है एफ और जी, रियल फंक्शन जो सी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, देन एफ प्लस जी इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट सी, एफ माइनस जी इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट सी, एंड एफ इंटू जी इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट सी, एंड एफ बाय जी इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, बट जी ऑफ सी नॉट इक्वल टू जीरो, एंड एनी कॉन्स्टेंट एफ इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। इसका मीनिंग क्या है भाई, ध्यान समझिए। अगर आपका कोई दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनका सम, उनका डिफरेंस, उनकी प्रोडक्ट, उनका डिवाइड, लेकिन डिनोमिनेटर उस पॉइंट पे जीरो ना हो, और किसी कॉन्स्टेंट से उस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दें, तो रिजल्ट आपका दोबारा कॉन्टिन्यूस रहेगा। ओके, सेकंड पॉइंट, एवरी साइन एंड कोसाइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। जो साइन है, फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स कॉस एक्स, जो ये फंक्शन हमेशा ही आपकी फुल रियल लाइफ पे कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि साइन और कॉस फंक्शन की किसी भी रियल नंबर के ऊपर वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है। साइन और कोसाइन की वैल्यू अगर आप ध्यान रखें माइनस वन और वन के बीच में लाई करता है, जो मर्जी आप वैल्यू किए, तो इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए आपका। अगर इनफाइनाइट बन जाता है उस पे, तो वहां डिसकॉन्टिन्यूस आ जाएगा। एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर या फिर ए की पावर, ये सभी फंक्शन भी आपके पूरी रियल लाइफ पे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन जैसा कि आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था 10th में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, टू एक्स प्लस थ्री, फाइव एक्स की क्यूब माइनस फोर एक्स प्लस टू, इस तरह के जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो सभी हमारे कॉन्टिन्यूस है। अगर हमें डायरेक्ट पता लग जाए, हम लिख दें कि विच इज पॉलिनोमियल फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो सभी क्या है, कॉन्टिन्यूस। अगर पॉलिनोमियल में डिवाइड के पार्ट आ जाए, जैसे एफ एक्स बाय जी एक्स और जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, तो दोनों अलग अलग पार्ट कॉन्टिन्यूस है, तो उनका डिवाइड भी कॉन्टिन्यूस होगा। ये हमें तब अप्लाई करेंगे जहां हमारे पास पर्टिकुलर पॉइंट गिवन ना हो। कोई क्वेश्चन हम उठाते हैं, 5.1 का सिक्स क्वेश्चन देखिए आप। ये आपके पास है 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू 2 इफ x ग्रेटर देन 2। यहां पे आपको पर्टिकुलर पॉइंट नहीं गिवन है, आपको ऑल पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूस, सभी डिस्कंटिन्यूस पॉइंट की लिस्ट तैयार करनी है। देखिए यहां पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं, तो अगर मैं यहां से रियल लाइन बनाऊं माइनस इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट, और यहां पे कहीं हमारा टू है, एक बार हम केस लेंगे टू से लेस देन के लिए, केस वन एट एक्स लेस देन टू। अब आप एट एक्स लेस देन टू के लिए देखिए क्या है, ये फंक्शन, ये आपका एफ एक्स है, ये 2 से लेस देन सभी फुल इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू 2 ओपन इंटरवल कवर करेगा। सो यहां पे आपको चेक नहीं करना, इस पॉइंट पे सीधा लिखोगे हियर fx इज पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल है, एंड वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। फुल पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, तो इस पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, इंप्लाइज एफ एक्स इज
continuous function at x less than 2. ये हमारा केस फर्स्ट था. केस सेकंड, at x greater than 2. अब आप greater than वाला पार्ट उठाओगे इस चार्ट की वैल्यू, वहां पे fx की वैल्यू देखिए क्या है, greater than के लिए आपकी वैल्यू 2x minus 3. ये भी क्या है ना, पॉलीनोमियल फंक्शन विच इज पॉलीनोमियल. और आप ऊपर लिख सको एवरी पॉलीनोमियल फंक्शन इज कौन है, तो आपको यहां दोबारा लिखने की जरूरत नहीं. इंप्लाई fx इज कंटीन्यूअस फंक्शन एट x ग्रेटर देन 2. आप देखिए 2 से लेस देन के लिए भी कंटीन्यूअस और 2 से ग्रेटर देन के लिए भी कंटीन्यूअस है. अब आपकी एक वैल्यू बचती है, वो बचती है इक्वल टू 2. केस नंबर 3 आपके पास आ गया एट x इक्वल टू 2. तो जहां पे इक्वल टू आया वहां ग्रेटर देन की वैल्यू भी है, लेस देन की वैल्यू भी है. तो इक्वल टू 2 जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको टाइप देखने को मिली. अब इक्वल टू के लिए आपके पास क्या टाइप बनेगी, आपके पास थर्ड टाइप है. अब वो चलिए यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको बता था x लेस देन 2, 2 नेगेटिव होता है, लेस देन 2 के लिए देखिए ये केस है. आप यहां पे 2 सब्स्टिट्यूट कीजिए 7, राइट हैंड लिमिट 2 पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 2 के लिए देखिए केस ये है. यहां पे आप x की वैल्यू रखिए 4 माइनस 3 1, तो इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. देयरफॉर fx इज नॉट कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 2. 2 से लेस देन सभी वैल्यू पे कंटीन्यूअस है, ग्रेटर देन है कंटीन्यूअस, बट 2 पे कंटीन्यूअस नहीं है. अगर फुल रिजल्ट तैयार किया जाए तो fx इज कंटीन्यूअस फंक्शन एक्सेप्ट देन 2, बट हमें तो वो पॉइंट की लिस्ट तैयार करनी थी जहां पे ये कंटीन्यूअस नहीं है, तो कौन सा हुआ 2. हेंस fx बाकी सभी वैल्यू पे कंटीन्यूअस है, fx इज डिसकंटीन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 2. सिर्फ 2 पे ये डिसकंटीन्यूअस है, अदरवाइज सभी पॉइंट पे ये कंटीन्यूअस है. अगर इसकी बजाय ये कंटिन्यूटी की बात करता डिसकंटीन्यूअस, तब हम इसका रिजल्ट ही कैसे लिखते. हेंस fx इज कंटीन्यूअस फंक्शन एक्सेप्ट देन 2. 2 को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट पे ये क्या था, कंटीन्यूअस. आप ये रिजल्ट ऐसे लिखिए ऐसे, अगर डिसकंटीन्यूटी की बात करें तो ऐसे लिख दो, कंटीन्यूटी की बात करता तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं. थोड़ा ध्यान से देखिए, पहला केस लेस देन के लिए आपके पास ये वैल्यू है, पॉलीनोमियल एवरी पॉलीनोमियल फंक्शन इज कंटीन्यूअस. सेकंड केस ग्रेटर देन के लिए ये वैल्यू है कंटीन्यूअस. थर्ड केस इक्वल टू आया तो पर्टिकुलर केस वाली बात हो जाएगी कि वे टाइप कौन सी है, उसी टाइप के अकॉर्डिंग आप इस पर वर्क करोगे. अभी मैं आपको बताता हूं कि जैसे मॉडुलस फंक्शन कैसे हम ओपन करते हैं. मॉडुलस फंक्शन रिलेटेड हम बात करते हैं, क्योंकि जब अगर आपके पास कोई मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, उसको देखिए आप किस तरह आप ओपन करेंगे. जैसा कि आपको पता है कि मोड माइनस 5 की वैल्यू 5 होती है, वो कैसे होती है कि माइनस हम लगा देते हैं तो प्लस, अगर मोड के अंदर नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव से आप मल्टीप्लाई कीजिए पॉजिटिव हो जाए, बट अगर ये 10 है तो डायरेक्ट आप इसको 10, क्योंकि पॉजिटिव है. माइनस 7 है तो माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो प्लस 7 हो जाएगा. तो इसी तरह जब आप मॉडुलस को ओपन करोगे वो एक मिनट देखिए आप किस तरह के अप्लाई करते हैं. मान लेते हैं fx है mod x. आप सबसे पहले जो भी mod के अंदर वैल्यू उसको 0 रखिए, तो x की वैल्यू डिफाइन कीजिए 0. यहां पे आपके केस डिसाइड होंगे if x less than 0 and x greater than 0. इक्वल टू का केस आप अलग भी ले सकते हैं या इन्हीं में काउंट कर सकते हैं. आप 0 से छोटी कोई एक वैल्यू बोलिए लाइक दैट -1, यहां रखिए अंदर -1 रखोगे तो नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव तो माइनस लग के आपका मोड होगा ओपन ताकि वो पॉजिटिव हो जाए. ग्रेटर देन 0 वैल्यू आप कोई बोलिए लाइक दैट 2, 2 यहां रखिए पॉजिटिव तो आपका मोड डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, और 0 रखोगे तो 0 मोड की वैल्यू 0.
कोई और क्वेश्चन लिखिए, x माइनस वन, इसको जब आप जीरो रखोगे तो x की वैल्यू आएगी वन, आपके केस ब्रेक होंगे वन के ऊपर, x लेस देन वन, ग्रेटर देन वन, इक्वल टू वन, इक्वल टू आप अगर यहां भी यूज कर सकते हैं, लेस देन वन, वन से छोटी आप कोई भी वैल्यू सपोज कीजिए, लाइक दैट जीरो, यानी कि जीरो माइनस वन नेगेटिव मोड के अंदर, तो माइनस टू की आपका मोड ओपन हो जाएगा, ग्रेटर देन वन, वन से बड़ी कोई भी वैल्यू होती है लाइक दैट टू, टू माइनस वन वन दैट इज पॉजिटिव, तो मोड आपका डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, वन के इक्वल वैल्यू होती है वन माइनस वन जीरो, ये आपके केस मोड में, फिर आप वही लेफ्ट राइट और फंक्शन की वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। एक और मैं एग्जांपल देता हूं, 2x + 3 के ऊपर मान लिया आपका मोड है, तो आप इस वैल्यू को जीरो रखिए, 2x + 3 को x की वैल्यू आ गई -3/2, तो आपका जो मोड ब्रेक होगा वो x लेस देन -3/2 एंड x ग्रेटर देन -3/2 एंड x इक्वल टू -3/2, -3/2 से छोटी वैल्यू आप लीजिए कोई भी, इस केस में -2, -2 यहां का -4 + 3 नेगेटिव, सो मोड आपका नेगेटिव लग जाएगा ओपन होने के साथ, -3/2 से ग्रेटर वैल्यू लीजिए -1 लीजिए, -2 + 3 पॉजिटिव, तो डायरेक्ट मोड ओपन हो जाएगा, -3/2 रख रहे हैं, -3 + 3 जीरो, इस तरह मोड ओपन कीजिए, तो फिर आपके पास मोड वाले जो क्वेश्चन हो थर्ड टाइप के अंदर आपके चले जाएंगे, तो मोड को आपको सब्स्टिट्यूशन की जरूरत है, डायरेक्ट आप मोड को डिफाइन कर सकते हैं, जब आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट देखा है तो आप उसके अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूटी चेक कीजिए, और जहां आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं गिवन है तब आप फुल रियल लाइफ पे उस क्वेश्चन को चेक करेंगे। मैं आपके पास एक मोड का क्वेश्चन देखिए सॉल्व करके दिखाता हूं, जिसमें आपके पास फंक्शन में मोड यूज है, तब आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी बुक में, एफ एक्स मोड एक्स बाय एक्स एंड जीरो इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहां नॉट इक्वल टू जीरो केस है, जीरो तो आप रख ही नहीं सकते, सबसे पहले जो मोड के अंदर एक्स है उसको आप जीरो रखोगे, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो, तो आपके केस जीरो पे ब्रेक होंगे इफ एक्स लेस देन जीरो एंड ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू वन हो सकता है केस, ये आपका पहले ही गिवन है जीरो, तो लेस देन जीरो वाली जीरो से छोटी वैल्यू आप रखिए कोई भी, लाइक दैट माइनस वन, मोड के अंदर माइनस वन रखोगे तो क्या आएगा माइनस, तो मोड माइनस ओपन होगा तो माइनस, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज पे, ये एडिटिव डिनोमिनेटर में, अब ये इक्वल टू होगा माइनस वन, फिर आप ग्रेटर देन जीरो रखिए वैल्यू लाइक दैट टू, यहां रखिए टू, मोड के अंदर क्या पॉजिटिव, तो डायरेक्ट आपका मोड ओपन हो जाएगा वन, ये वैल्यू आपको गिवन है। अब आप टाइप देखिए किस पॉइंट पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, टेक्स इज इक्वल टू जीरो, टाइप देखिए आप कौन सी है, ये अगर टाइप की बात करें हम, ये थर्ड टाइप है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव की वैल्यू लीजिए माइनस वन, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव के लिए ग्रेटर देन जीरो दैट इज वन, क्या दोनों वैल्यू सेम है, इंप्लाइड लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, हेंस एफ एक्स इज डिसकंटीन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। डिसकंटीन्यूअस फंक्शन हमारा जीरो है, तो आपके पास इस तरह आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हमने जो क्वेश्चन लिए थे फर्स्ट पार्ट में इसके, वो थे पर्टिकुलर पॉइंट, या फिर जब हमारे पास हमने कुछ क्वेश्चन को ट्राई किया जहां पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है या फिर मॉडुलस वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो क्वेश्चन आपने चेक किए। ओके, थैंक यू।